वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। देखते हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन संबंधित है भारत और बांग्लादेश। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य जलमार्ग संपर्क को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। अभी जो जलमार्ग संपर्क है कौन से बंदरगाहों के बीच में होगा, तो भारत की ओर से दुबारी बंदरगाह के बीच में तथा बांग्लादेश से पांगन बंदरगाह इन दोनों बंदरगाहों के बीच में जलमार्ग स्थित होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश आया है, तो बांग्लादेश की पूरी डिटेल देखते हैं। यह मैप में आप बांग्लादेश को देख सकते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, वहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। बात करते हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है शत प्रतिशत विद्युतीकरण। अभी हाल ही में बिहार राज्य ने तय समय से पहले अपने राज्य में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है, तो कौन से राज्य ने किया है बिहार राज्य ने। अब यहाँ पे बिहार राज्य को देखते हैं, तो आप मैप में देख सकते हैं बिहार राज्य भारत में कहाँ पर स्थित हैं। बात करते हैं बिहार राज्य के सीएम कौन हैं, तो बिहार राज्य के सीएम हैं नीतीश कुमार। गवर्नर कौन हैं, तो लालजी टंडन बिहार राज्य के गवर्नर हैं। बात करते हैं बिहार की जो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। बात करते हैं कितने ज़िले हैं बिहार में, तो ज़िले हैं 38 ज़िले बिहार में स्थित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है इंजन रहित ट्रेन। अभी हाल ही में भारत ने एक ट्रेन तैयार की है जिसमें लोकोमोटिव इंजन नहीं होगा, बल्कि हर कोच का अलग ही ट्रैक्शन मोटर्स लगी होगी उसमें। जो नॉर्मल अपन देखते हैं लोकोमोटिव इंजन जो ट्रेन होती है वो नहीं हुई है ट्रेन, ये अलग ट्रेन है जिसमें लोकोमोटिव इंजन नहीं होगा बल्कि इसमें ट्रैक्शन मोटर्स लगी होगी। इस ट्रेन का क्या नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18 ट्रेन 18 करके इस ट्रेन का नाम है, जिसका पहला परीक्षण किया जाएगा और कब किया जाएगा, 29 अक्टूबर को इसका पहला परीक्षण किया जाएगा, जो कि 2020 तक ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी, ठीक है। एक और ट्रेन बनाई जा रही है, दोनों ट्रेन का नाम एक ट्रेन का नाम है ट्रेन 18, दूसरी ट्रेन का नाम है ट्रेन 20। ट्रेन 18 और ट्रेन 20 दो ट्रेनें बनाई है जिसमें ट्रैक्शन मोटर्स लगी होगी और साथ में इनमें लोकोमोटिव इंजन नहीं होगा। बात करते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो इस ट्रेन की स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर हावर इनकी स्पीड होगी। बात करते हैं इन ट्रेन्स को कहां पर बनाए जा रहे हैं, इनके कोच कहां पर बनाए जा रहे हैं, तो बनाए जा रहे हैं चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री में इनका निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर चेन्नई की बात करते हैं, तो चेन्नई कहाँ पर स्थित है, चेन्नई स्थित है तमिलनाडु में। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु भारत में कहाँ पर स्थित हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बात करते हैं सीएम कौन है, तो सीएम है के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के सीएम हैं। बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, तो विद्यासागर राव तमिलनाडु के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अभी हाल ही में इथियोपिया में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है सेहल वर्क जेवड़ेकर उनका नाम है। दोबारा बोल रहा हूँ, इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो उनका नाम है सेहल वर्क जेवड़े उनका नाम है, ठीक है। जो कि एक वहाँ पर जो पुराने राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था, उनका स्थान लेगी, तो उनका नाम था मोलाटू तेसो में वर्तु उनका नाम है, जिनका स्थान सेहल वर्क जेवड़े लेगी, ठीक है। बात करते हैं इथियोपिया की, तो आप मैप में देख सकते हो इथियोपिया कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं यहाँ की राजधानी का क्या नाम है, तो राजधानी का नाम है अदीस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी है। बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा है इथियोपियाई बियर, इथियोपिया की मुद्रा है। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है मेलेस जिनावी, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है कृषि कुंभ से। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है। बात करते हैं कहाँ पर हुआ ये उद्घाटन, तो ये हुआ है लखनऊ शहर में इसका उद्घाटन हुआ है। अब जो लखनऊ है कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं। उत्तर प्रदेश आप में देख सकते हो भारत में कहाँ पर स्थित हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है राम नाइक। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है।
अभी जो कृषि कुंभ हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों करा गया है? तो इसका उद्देश्य है आधुनिक तकनीक तथा विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए। इस कृषि कुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अभी जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है कहाँ पर आयोजित हो रही है पता होना चाहिए, तो ये आयोजित हो रही है बुडापेस्ट में आयोजित हो रही है, जो कि हंगरी की राजधानी है। बात करते हैं यहाँ पर अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है, तो किस महिला ने अभी हाल ही में यहाँ पर कांस्य पदक जीता है? तो जीता है पूजा ढांडा ने, यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। बात करते हैं पूजा ढांडा ने यहाँ पर कांस्य पदक जीत लिया है, तो इनके पहले तीन भारतीय महिलाओं ने भी कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है, पहले का नाम है अलका तोमर ने भी यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, गीता फोगाट ने भी यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, और उनकी सिस्टर गीता फोगाट की बबीता फोगाट ने भी यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। और इनसे पहले यहाँ पर बजरंग पुनिया ने भी जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 है यहाँ पर रजत पदक यहाँ पर जीत चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है नाटो का सबसे बड़ा सैनिक युद्धाभ्यास। अब नाटो का जो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो इस युद्धाभ्यास का नाम है ट्राइटेंड जंक्चर, इसका नाम है, क्या नाम है? ट्राइटेंड जंक्चर इस युद्धाभ्यास का नाम है। अब ये युद्धाभ्यास ट्राइटेंड जंक्चर कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है नॉर्वे में यह आयोजित हो रहा है। बात करते हैं नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? यह इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। बात करते हैं नाटो एक समूह है, तो इसमें कितने देश हैं? तो इसमें कितने यहाँ पर जो युद्धाभ्यास है, कितने देश यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं, कितने भाग ले रहे हैं? तो 31 देश इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। बात करते हैं नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना करी गई थी। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाटो का? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में स्थित है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब नॉर्वे में ये युद्धाभ्यास हो रहा है, तो नॉर्वे मैप में कहाँ है? तो मैप में आप देख सकते हैं नॉर्वे कहाँ पर स्थित है। अब नॉर्वे की बात करते हैं, तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बात करते हैं नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन संबंधित है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड 2018। ये जो अवार्ड है किस देश को मिला है? तो ये मिला है इंडिया को, भारत को ये अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फॉर 2018 इंडिया को मिला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन संबंधित है टैगोर पुरस्कार से। अभी हाल ही में 2016 के जो सांस्कृतिक सद्भावना के लिए जो टैगोर पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको दिया है 2016 का? तो 2016 का दिया गया है श्री राम वंजी सुतार को ये पुरस्कार दिया गया है। 2016 का टैगोर पुरस्कार किनको मिला है? तो मिला है श्री राम वंजी सुतार को ये पुरस्कार मिला है। और श्री राम वंजी क्या है? तो एक मूर्तिकार है जिनको ये पुरस्कार मिला है। बात करते हैं पिछले जो पुरस्कार है 2015 के किसको मिले थे? तो 2015 का टैगोर पुरस्कार छाया नोत को ये पुरस्कार मिला था, 2014 का राजकुमार सिंहजीत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन किसने बनाया है, किस देश ने बनाया है? तो बनाया है किसने? चीन देश ने ये बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर चीन देश की बात हुई है, तो चीन आप देख सकते हो मैप में कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। अब आपको युआन भी इनकी यहीं की मुद्रा है, लेकिन युआन जो है वो रेनमिनबी का ही एक पार्ट है, और रेनमिनबी एक ऑफिशियल यहाँ की मुद्रा है। बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का नाम है सी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं, और ली कचियांग चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली कचियांग चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन संबंधित है पशु संजीवनी सेवा। अभी जो पशु संजीवनी सेवा है किस राज्य में शुरू हुई है? तो किस राज्य में हुई है? तो ये हरियाणा राज्य में ये शुरू की गई है। और पशु संजीवनी सेवा क्या है? ये एक मोबाइल क्लिनिक सेवा है, जैसे अपन किसी को डॉक्टर कॉल करके बुला सकते हैं, वैसे इसमें डॉक्टर को कॉल करके बुला सकते हैं, ये एक मोबाइल क्लिनिक सेवा है। अब ये हरियाणा राज्य में शुरू हुई है, तो हरियाणा राज्य को आप देख सकते हो मैप में कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं यहाँ की राजधानी क्या है, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के सीएम है। बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा राज्य के गवर्नर हैं। बात करते हैं हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो हरियाणा राज्य में है 22 जिले स्थित हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है हरियाणा राज्य का? तो क्षेत्रफल है 44,212, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए योजना। अब हाल ही में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना को शुरुआत की गई है, तो उस योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है इम्प्रेस, उस योजना का नाम है जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अनुसंधान के लिए बढ़ावा देने के लिए इम्प्रेस योजना को शुरू किया गया है। ये तो हो गई सोशल साइंस रिसर्च के लिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए। बात करते हैं साइंस से संबंधित कौन सी योजना को शुरुआत किया है, तो साइंस के संबंधित है स्पार्क, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो साइंस से संबंधित है स्पार्क और सोशल साइंस रिसर्च से संबंधित है इम्प्रेस। अब ये जो दोनों योजना हैं कौन से मंत्रालय ने इसको शुरुआत की है, तो इसको शुरुआत किया है मानव संसाधन मंत्रालय ने। इन दोनों योजनाओं को इम्प्रेस और स्पार्क को शुरुआत किया है। बात करते हैं मानव संसाधन मंत्रालय, हमारे जो मंत्री हैं मानव संसाधन मंत्री वो कौन है? आप में देख सकते हो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं। ठीक है, अब जो ये स्पार्क है साइंस से संबंधित, इसकी इसको शुरुआत क्यों किया गया है? इसको शुरुआत किया गया है उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इन स्पार्क योजना को शुरुआत की गई है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है प्रवीण श्रीवास्तव। प्रवीण श्रीवास्तव एक जो पैनल गठित किया है उसका नेतृत्व करेंगे। अब ये पैनल है किस लिए गठित हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यों की ओर से भारत की जो प्रगति है उसको ट्रैक करने के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। तो जो कि इस पैनल का गठन किया गया है तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका नेतृत्व करेंगे प्रवीण श्रीवास्तव, इस पैनल का नेतृत्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है मत्स्य पालन एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अभी हाल ही में केंद्र ने मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक फंड राशि को दिया गया है। तो इस फंड राशि कितनी फंड राशि दी है केंद्र ने? तो दी है 7,522 करोड़ फंड राशि मत्स्य पालन एवं एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है पनडुब्बी रोधी सैन्य अभ्यास। पनडुब्बी रोधी सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत की नौसेना तथा अमेरिका की नौसेना के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ये अभ्यास हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है INS हंसा पर ये हो रहा है। अब बात करते हैं INS हंसा क्या है? तो INS एक वायु स्टेशन है हमारी आर्मी का, वायु स्टेशन है नेवी का एक, जहाँ पर ये हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, INS हंसा कहाँ पर है? तो INS हंसा है दोबालिम गोवा में, ये INS हंसा स्थित है। तो ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन। देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन संबंधित है भारत का सबसे लंबा नदी पुल। भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी पुल कहाँ पर स्थित है? ये है असम राज्य में ये स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है ये सबसे लंबा पुल? तो बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये किसकी लंबाई है 19.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं वर्तमान में भी ये तो बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान का जो सबसे लंबा पुल है वो भी असम राज्य में ही स्थित है और जिसकी लंबाई कितनी है 9.15 किलोमीटर उसकी लंबाई है। यहाँ पर असम राज्य की बात हुई है तो आप में देख सकते हो असम राज्य कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। बात करते हैं कितने ज़िले हैं असम राज्य में, तो यहाँ पर 33 जिले स्थित हैं। बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है असम का, तो क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है असम के, तो मुख्यमंत्री का नाम है सर्वानंदा सोनोवाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश मुखी, असम के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान फेमस है जो कि उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये किसके लिए फेमस है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए ये फेमस है। तो ये हो गए अपने 27 अक्टूबर के करंट अफेयर, साथ में इनके GK पूरी GK कवर करी है। जो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो भी कोई दोस्त हो व्हाट्सएप पे तो उसके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, साथ में इस चैनल पे मैं इंग्लिश के भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके देखें। वहाँ पे मैं इंग्लिश को बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इंग्लिश की वो भी आपकी कवर हो जाएगी, साथ में करंट अफेयर और साथ में उनकी GK अब इस चैनल पर चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।